भोपाल से दिग्विजय के भाई ने फिर कांग्रेस को घेरा है। लक्ष्मण सिंह ने पार्टी में दलालों का कब्जा बताया है, पार्टी पर दलालों का कब्जा बताया है और यहां तक कह गए वो आज के दलालों से घिरे हैं दिग्विजय और इसीलिए उनका नाम बंटाधार पड़ा है। कांग्रेस ईवीएम से नहीं भितरघातियों से हारी है, पार्टी दलालों से चलेगी या कार्यकर्ताओं से, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने अलग पार्टी बनाने के संकेत भी दिए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया और मैं उनके संपर्क में हूँ। मैंने आकलन किया नतीजों का और यही नहीं किया है, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया और मैं उनके संपर्क में हूँ। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहां से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हारने के लिए, हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। और जितने हमारे राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश में, उनको आकलन करने की जरूरत है। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं, क्या ईवीएम ने कहा था कि यहां सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं? कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है जो इन नेताओं को घेर घेर के उन्हें गलत राय। मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आज उनका नाम मिस्टर बंटाधार रखा है, बीजेपी ने रखा है, 20 साल पहले रखा था और वो नाम आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है इसका आकलन करना भी जरूरी है। ऐसा क्या किया है? जनता की सेवा की, विकास किया, लेकिन बंटाधार नाम क्यों पड़ा और क्यों चलाया और क्यों बीजेपी को वोट मिलते बंटाधार होते? बंटाधार एक नाम लेते हैं और वोट मिल जाते हैं उनको, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये दलाल इनको छोड़ने वाले नहीं है। इन दलालों को बिठाने का काम आप और हम सब करेंगे और ये तय कर लें कि दलालों की सुनना है या कार्यकर्ताओं की सुनना है। और लक्ष्मण सिंह के अपनी ही पार्टी को घेरने वाले बयान के बाद सियासत गर्म है। भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि लक्ष्मण सिंह का बयान सनसनीखेज है। उन्होंने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक और कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है, लक्ष्मण सिंह ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं। भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहां ईवीएम को लेकर वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जब से चुनाव हारे लगातार वो कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को निशाना साध रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात कर रहे हैं और वहां ईवीएम को लेकर वो क्लीन चिट दे रहे हैं, तो उनके लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पर, दिग्विजय सिंह पे निशाना साध रहे हैं। उनका यह बयान भी बड़ा सनसनीखेज बयान। तो लक्ष्मण सिंह के बयान पर बयानों के सिलसिले चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने कहा है कि लक्ष्मण सिंह का ये निजी बयान है और ये बयान एक महीने पुराना वो बता रहे हैं। इसके बाद सरकार के मुख्यमंत्री भी बदल गए, कांग्रेस पार्टी ने नए अध्यक्ष चुन लिए, लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी हार की समीक्षा की होगी। जब भी कोई हार की समीक्षा करता है तो कई चीजें निकलकर सामने आती हैं। निजी बयान हो सकता है क्योंकि वो भी एक लंबे मार्जिन से जब व्यक्ति हारता है तो हार की समीक्षा करता है। कई उसके विधानसभा क्षेत्र में भी कई लोग ऐसे रहते हैं जो उम्मीद के अनुरूप काम नहीं करते, हो सकता वो कोई बात रही हो, लेकिन लगता है इस बात पर काफी चर्चा हो चुकी है। और जहां तक बात है तो शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी ने एक नया अध्यक्ष, एक युवा अध्यक्ष, एक आदिवासी युवा नेता, नेता प्रतिपक्ष बनाया है, एक उपनेता युवा बनाया है। तो मुझे लगता है पार्टी ने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि ठीक है हम पिछला चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन हाँ आगे की हमारी तैयारी जबरदस्त है और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी से काम कर रही, तैयारी कर रही और आप देखें हम 15 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में हैं आज की तारीख में।